और दर्शकों की बेहद मांग पर दीन की दावत एक बार फिर से पेश है आपके सामने, और आज है उसका छठा पार्ट। और स्वागत करते हैं तुफैल जी का और नीरज जी का। तो पहले पांच पार्ट जो हैं वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उनके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, एक एक करके देखें। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक गहरे बिंदु पर बात करने वाले हैं। वो गहरा बिंदु यूँ है कि ये जो अडॉप्शन क्यों नहीं होता है दीन में, और दीन में यदि अडॉप्शन करना हो तो क्या करना चाहिए। तो फैल जी जरा बताएं, जरा तफसील से थोड़ा बताएं, प्रकाश डालें। हम लोगों ने दीन की दावत यानी इस्लाम के जो साइंस पे एहसानात हैं, विज्ञान पर उसकी कृपाएं हैं, जैसे एक मुल्ला पाकिस्तान का बताता है कि सिंध के एक मौलवी ने चांद बनाया था, रात में सूरज उगाता था, दिन में चांद उगाता था और सारे सिंध में रोशनी होती थी। अरे स्तिंजा। ऐसे ऐसे लोग हैं और इतनी उम्दा उम्दा बातें कि धरती साकिन है, टिकी रहती है, फ्लैट है, घूमती नहीं है, और उसका सबब यह है कि सरकारें दुआलम इस जमीन पे सोए हैं तो उनके अदब में सांस रोके खड़ी है। ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें हमने सीखी समझी। अब सामाजिक यानी वैज्ञानिक आविष्कारों पर तो हमने बात कर ली, सामाजिक आविष्कारों पर बात करते हैं। एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी मोहम्मद के दौर में कि कुरान की एक आयत आई थी कि आज से तुम पर मुंह बोले रिश्ते मनसूख हुए, यानी जो माने हुए रिश्ते हैं, गोद लिया हुआ बेटा है, गोद ली हुई बेटी है, या किसी को भाई मान लिया, किसी को बहन मान लिया, ये सब रद्द कर दिए गए। और इसकी एक तारीख है, एक सबब है। मोहम्मद ने जो पहली शादी की, या पहली शादी जिस औरत ने मोहम्मद से की, बेहतर यही होगा कहना, खदीजा थी, वो उनसे 15 बरस बड़ी थी और उनके 2 शौहर मर चुके थे, ये 3रे शौहर थे। तो उनका एक गुलाम था, जायद नाम था, जिससे खदीजा बहुत प्यार करती थी, मोहम्मद भी बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। खैर वो बड़ा हुआ, उसकी शादी अपनी चचेरी बहन जैनब से कराई, शादी भी हो गई। एक दिन मोहम्मद घर में दाखिल हुए तो जैनब चारपाई की आड़ में नहा रही थी। उसको उस हालत में देख के मोहम्मद के मन में अनुराग जागा। खैर बहुत पर्दे वाले आदमी थे, बाहर चले गए, खामोश रहे। जैद को पता लग गया, ऐसा इस्लामी कहते हैं, हदीसें कुछ कहती हैं। तो जैद ने जैनब को तलाक दे दिया। उसके बाद मोहम्मद ने उससे निकाह किया। तो मोहम्मद के निकाह के लिए मोहम्मद को तैयार करने में अल्लाह ने आयत भेजी कि आज से तुम पर मुंह बोले रिश्ते मनसूख हुए। अब ये हो गया, और ऐसा भी नहीं कि जैद घर छोड़ के चला गया कि अब वो औरत जिसके साथ उसके यौन संबंध थे, जिससे अनुराग के, प्यार के, मनोहार के, नाराजगी के, चुहलबाजी के रिश्ते थे, वो अब उसकी अम्मा बन गई। अब है साहब, ये अल्लाह की बरकत है, उसने उसकी अम्मी बनवा दिया। तो वो उसी घर में, उसी माहौल में, उसी वातावरण में उनके साथ रहा। अब इसके बाद मुश्किल क्या आई कि किसी को कोई एडॉप्ट करना हो तो वो क्या करे। मोहम्मद के दौर में ही ऐसा हुआ, आयशा जो उनकी बच्ची बेगम थी, सबसे छोटी वाली, 6 बरस की थी जब मोहम्मद ने 51 बरस की उम्र में या 52 बरस की उम्र में उनसे निकाह फरमाया था, और 6 जब वो 9 बरस की हुई 3 साल बाद, तो उनके साथ जिनसी ताल्लुकात, उन्हें हक के जौजियत बख्शा। ये क्या होता है साहब, इस्तिंजा करता हूं। गलत वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इस्तिंजा तो ठीक है मगर जिस हिस्से से करना चाहते वो गलत है।
उन्हें पति पत्नी होने का हक दिया ऐसा था। वो मुकर्रर जो है वो मुझे कई बार इस्तिंजा जैसा ही लगता है। तो उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जब वो 9 वर्ष की थी। अब उसके बाद कई बार ये हुआ कि मोहम्मद की जो सबसे प्रमाणिक हदीसें हैं वो आयशा के संदर्भ से आती हैं कि मोहम्मद इस सिलसिले में क्या राय रखते थे। कोई शख्स मिलने आए, अब मोहम्मद नहीं हो तो वो आयशा से कैसे मिले। तो आयशा ने ये सवाल पूछा मोहम्मद से कि आप बताएं कि मैं किस तरह से इन लोगों से बेपर्दगी होती है। तो उन्होंने फरमाया कि तुम उन्हें अपना स्तन पान करा दो, इससे वो तुम्हारी औलाद बन जाएंगे। वाह क्या बात है, साइंटिफिक है। यही तो सामाजिक आविष्कार है कि अगर आप गोद नहीं ले सकते तो अपनी हकीकी औलाद बना लीजिए, और उसके लिए ये है कि आप उनको धारोष्ण दूध पिलाइए। मरहबा मरहबा, ये है सब। अच्छा, उसमें एक मुश्किल ये आई कि आयशा शायद उनके स्तन से दूध नहीं आता था, क्या बात थी। तो आयशा ने अपनी जो बड़ी बहन थी उनके स्तन पान कराए लोगों को, और उससे फिर वो खाला हो गई जिनसे उनका रिश्ता हो गया माँ का वाला, तो लोग उनसे बात कर सकते थे। अच्छा, खाला से तो शादी हो सकती है साहब? नहीं, खाला से नहीं हो सकती। वैसे वैसे ये कुरान की जो आयत आई उसके बाद है कि तुम पर मुंह बोले रिश्ते मंसूख हुए, फिर भी चाचा अपनी चचाजाद बहने, खाला की फूफिये की बेटियां, खाला की बेटियां खाला के साथ नहीं हो सकती। वो शिया मंतिक है जिसमें महरमों के साथ यानी माँ बेटी बहन इत्यादि के साथ लिंग पर रेशम लपेट के सेक्स किया जा सकता है। वो छठे इमाम का मतलब ये है, रेशम की जगह पे अगर कॉन्डोम हो तो भी चलेगा ना साहब? वो तो छठे इमाम से पूछे, अब तो 11 मर चुके हैं, 12वें का इंतजार हो रहा है, जो गैब में है कहीं छिपे हुए हैं, इस इंतजार में है कि कयामत हो और वो तशरीफ लाए, तो उनका मामला है। नहीं, मुझे तो संजय जी की बात से इत्तफाक नहीं है, तो गलत बात कर रहे हैं आप। तो अल्लाह के जो निजाम है उसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। नहीं नहीं नहीं, ये सब तफसीरें हैं, ये रेशम वाली भी तफसीर है। नहीं, रेशम वाली होगी लेकिन अगली तफसीर भी हो सकती है उसकी, ऐसी क्या बात है। लेटेस्ट सुनाता हूँ अभी आपको, एक सेकंड दीजिए, मैं निकाल रहा हूँ वो, जिससे किसी को एतराज हो। लीजिए, इस्तिंजा, ये जाफर अल सादिक जो जैदी हैं वो इनकी औलादों में से हैं, वो उन्हें मानते हैं। ये अली के छठी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी के परपोते सड़पोते कुछ हैं। उनमें हरीरा निकाह हरीरा एक रस्म है, इसके अनुसार महरम यानी माँ बहन बेटी फूफी खाला इत्यादि के साथ लिंग पर रेशम लपेट के कुछ शर्तों के साथ निकाह या सेक्स करने की इजाजत है। अल मुग्नी क्या है? मानी जी, शर्तें फरमाएं। शर्तों को उस तरह कहा कि उनके साथ में सेक्स मस्त हो और वो निकाह करने के लिए कोई दस्तयाब नहीं हो वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हैं। जो 3 रेफरेंसेस हैं वो दे रहा हूं, और ये ध्यान रखिएगा शिया लोग बहुत जहीन लोग हैं, बड़े तेज तर्रार लोग हैं। आप शिया किताब के नाम पर बात करेंगे तो सिर्फ नहजुल बलागा मिलेगी। आप किसी किताब कुतुब फरोश के पास कुतुब खाने में जाएंगे तो वो कहेगा कि नहजुल बलागा है। ये जो किताबें हैं ये शिया नॉर्मल शिया को भी नहीं मिलती, जो शिया इमाम हैं, जो बिल्कुल अंदर के लोग हैं, ये उनके लिए है, उनके बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। इत्तेफाक से किताबें हमारे पास हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अल मुग्नी बानी इमाम इब्ने कदामा, वॉल्यूम 7 पेज नंबर 485। दूसरी जवाद मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक, ये अली के खानदान के मोहम्मद के जो 12 मासूमीन हैं उनमें से एक हैं, उन्हें मासूम मानते हैं उन सबको। उमर भी आते इसमें, वो हसन भी आते हैं, हुसैन भी आते हैं, सब बानी जाफर अल सादिक, वॉल्यूम 5 पेज नंबर 222। तीसरा फिकह इस्लामी बानी मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 383। तो जिसको मेरे मुंह में खाक मगर साहब मैं क्या करूं, मेरी आंखों ने पढ़ाए,
अगर किसी को एतराज हो तो साहब चेक कर लो, किसी मौलाना से पूछो, शिया इमाम से पूछो कि साहब ये किताबें हैं आप बराए करम बताएं और इन इन काफिरों के मुंह पे फटकार, इन पे लानत भेजिए और इनको गलत साबित करिए। तरीका है, बहरहाल ये जो तरीका है और ये सिलसिला है मासूमीन के, जो पहले वो मोहम्मदी हैं जिन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि तुम अगर तुमसे कोई मसले पूछने आता है और तुम तुम्हारे लिए वो नामहरम है तो उसे नहीं मिल सकती, तो उसका तरीका ये है कि अपना स्तनपान करा दो, दूध पिला दो तो बेटा बन जाएगा। फिर वो उन्होंने दूसरे किसी के पास भेज दिया, अपनी बड़ी बहन के पास, तो वहां से फिर ये परंपरा चली है कि जो किसी को गोद नहीं ले सकता इस्लाम में मगर असली बेटा बनाया जा सकता, असली बेटी बन सकती है। अच्छा, इसमें एक मुश्किल ही है कि आजकल के सिलसिले में मैंने एक साहब से पूछा, एक मौलाना से, कि भाई कोई साहब अगर इस तरह से ये जो व्यवस्था है कि स्तनपान करा के बेटा बन जा, तो बोले साहब पूरा मोहल्ला बेटा बनने को तैयार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, समस्या है कि बोले मुल्ला को डर इस बात का है कि उसके पीछे बेटे बनने वालों की भीड़ लगी रहा करेगी, तब मैं क्या करूंगा। मगर साहब यही तो है दीन की खूबसूरती कि ऐसी ऐसी गजब की बातें की हैं और इतनी उम्दा चीजें लेकर आए हैं कि जिसको मतलब मैं समझ नहीं पाता। जैसे एक मजेदार चीज है, रोजा रखा, रोजा बेसिकली भूखा प्यासा रह के खुद को जंग के लिए तैयार करने के लिए कहते हैं। रोजा तखये का चक्कर नहीं है, रोजा खुद को जंग के लिए तैयार करने का अमल है। बहरहाल किन्हीं साहब ने रोजा रखा और उनकी हालत ऐसी है कि रोजा खोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कोई नमक का एक दाना भी नहीं है, चीनी का एक टुकड़ा भी नहीं है, जरा सा गंदुम भी नहीं, तो वो क्या करें। तो बुखारी शरीफ कहती है अगर रोजा तोड़ने को खाना ना मिले तो औरत से हम बिस्तरी करके रोजा खोला जा सकता है। क्या बात है साहब, यानी रोजा मुंह से खोलने की जगह, हाँ ये मुंह की जगह दूसरे हिस्से का इस्तेमाल कर लीजिए तो उससे भी रोजा खुल जाता है, खाना उससे मारा जाएगा। बिल्कुल नहीं, तरह तरह की चीजें है। देखिये फतावा आलमगीरी मेरे सामने खुली हुई है जी, इसमें एक बड़ी नायाब चीज दी हुई है और ये कहती है पेज नंबर 533 जी, तो ये कहते हैं कि साहब कि अगर किसी मर्द ने, ध्यान से सुने जी, अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी की माँ या बेटी का बोसा लिया या बीवी ने शौहर के पिसर या बाप का बोसा लिया। पिसर क्या होता है जी? शौहर के पिसर भाई। अच्छा जी। या बाप का बोसा लिया हत्ता कि अपने शौहर पर निषिद्ध हो गई। बोसा लिया तो समझ रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ बता दें साहब, तुफैल जी सारा जनता को तो बताएं। वो देखिए किसी का शेर है उस्ताद का, वाजिब जकात होती है हर मालदार को, 20% देनी होती है या 15% 10% जितनी, वाजिब जकात होती है हर मालदार को, तुम मालदारे हुस्न हो बोसा दिया करो। उस्तादों के शेर है ये। तो फिर शौहर ने इससे वती कर ली। वती का मतलब होता है, कई लोगों को बोसा का मतलब अर्थ समझ में नहीं आया भाई, चुम्बन। बोसा का मतलब चुंबन और वती का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स जी। तो फिर शौहर ने इससे वती कर ली। ये बताइए कि बीवी के माँ का बोसा ले लिया और फिर वती कर ली बीवी से, तो इसको कोई दंड नहीं मिलेगा, इस पर हद अनिवार्य नहीं होगी, चाहे वो शौहर इसको कबूल भी कर ले तो भी, मतलब फ्री फॉर ऑल टाइप का मामला है यहाँ पर। इसके ऊपर आप कुछ हमें ज्ञान दें, नीरज जी आपका क्या विचार है? मैं तो बिल्कुल निहाल हो रहा हूँ जी कि इतना खूबसूरत दीन है जिसकी तुफैल जी दावत दे रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी काफिर के काफिर बने हुए हैं। हद है जहालत की, मैं तो देख के परेशान हो रहा हूँ कि लोगों की दिमाग जाग क्यों नहीं रहा। इतनी खूबसूरती है इस
मजहब के अंदर, दीन के अंदर, और लोग फिर भी मुंह मोड़े बैठे हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ इस चीज से। अच्छा, एक ये जब तुफेल जी बता रहे थे, तुफेल जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि जब वो स्तनपान करना है तो दाई ओर से करना है कि बाई ओर से करना है, कुछ इस पर बताया है क्या? साहब, एक तरफ का दबाओ, दूसरे तरफ का पान करो, फिर दूसरे दबाओ उधर का पान कर लो। अरे पर पहले कौन सा करना है ये बताइए, क्योंकि तो बहुत जरूरी है। जैसे पैर बताया जाता है कि पहले कौन सा बढ़ाना है, बाद में कौन सा बढ़ाना है। दाया, दाया मर्द के लिए तो दाया पहले इस्तेमाल करना, पजामा पहनना है तो दाई टांग डालो, पाखाने जाओ तो दाई पैर पहले अंदर रखो फिर बायां लेके आओ। तो वैसे ही मैं कयास कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर दीन खामोश है और मौलाना किसी से पूछूंगा तो ईंट मारेगा फेंक मेरे, इसलिए मैं दूर से अंदाजा लगाता हूँ कि दाया ही होना चाहिए, क्योंकि दाया मर्दों के लिए शुभ माना जाता है, बायां उसके बाद पीछे आने वाला मामला है। अच्छा, मगर सब हाथ कहाँ होंगे? तफसील से बताइए, हाथ कहाँ होंगे? मैंने कहा ना कि दाया पहले स्तनपान और बाएं को तैयार करे हाथ से, फिर बाया फिर दाया से उसको तैयार करे। जैसे गाय का दूध दूहते हैं, भैंस का दूध दूहते हैं, तो एक का जब पहले एक को खींच के तैयार करते हैं, उससे दूध दूहते हैं, तो दूसरे हाथ से दूसरे को तैयार करते हैं, उसको खींचना होता है, ये तरीका होता है। ये मुझे लग रहा है कि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के विरुद्ध है तुफैल जी। वैसे मैं एक चीज आपको और नायाब बताता हूँ, जो मैंने ढूंढी थी बड़ी मुश्किल से, मैंने पूरी दारुल आपके किताबुल हुदूद जो फतावा आलमगिरी की है उसमें पढ़ने के बाद मुझे एक बड़ी नायाब चीज मिली, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। तो उसको सुन के आपको भी इसका जो जो लफ्ज़ जो थोड़े से कठिन शब्द हैं उनके अनुवाद आप करते जाइएगा कृपया जी। तो ये पेज 538 है, वॉल्यूम 3। आप सब लोगों को मैं अनुरोध कर दूं कि फतावा आलमगिरी एक बहुत ही एंटरटेनिंग पुस्तक है, इस तरह का एंटरटेनमेंट ना आपको RRR में मिलेगा और ना आपको वो कौन सी है आपकी आलिया भट्ट वाली पिक्चर ना उसमें आपको मिलेगा, और इस तरह का एंटरटेनमेंट बहुत ही दुर्लभ है। और ये सारी पुस्तकें आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट thejaipurdialogues.com पर जाकर उसके बुक सेक्शन में से। तो कह रहे हैं कि साहब, अगर लवातत किसी की आदत हो गई तो इमामुल मुसलमीन इसको कत्ल कर देगा, चाहे मोहसन हो या गैर मोहसन हो। आप कृपया इसका अनुवाद करें। जब इतनी गाड़ी नहीं आती ये तो। अरे लवातत का मतलब होता है वो होमोसेक्सुअलिटी। लवा लवातत। अच्छा साहब, ये तो यहां भी ये देखिए, एक मैं रोजे के सिलसिले में एक सवाल किसी ने पूछा होगा, एक मिनट में पूरा कर लू। लेकिन तहीमिया से वती करने वाले पर हमारे अनुसार ये हद अनिवार्य नहीं है। तहीमिया मतलब वो पशु से करने वाले पर कोई दंड नहीं है, लेकिन अगर लवातत कर ली यानी कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस कर लिए तो हद अनिवार्य है, मतलब उसका कत्ल जो है वो आवश्यक है। तो ये आप देखिए कितना लिबरल है ये समाज कि तहीमिया की पूरी इजाजत दे रहा है। गायतुल अवतार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 510। अगर रोजादार मर्द अपनी दब्र यानी गुदा में और औरत अपनी आजहानी यानी योनि में उंगलियां कोई चीज चलाए और वो खुश्क निकले तो रोजा नहीं टूटता। मतलब अगर साहब नहीं मिले, मौलाना नहीं आए, तो वो अपनी उंगली से या किसी चीज का इस्तेमाल करे। कैसे लोग हैं और क्या क्या दिमाग है, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं और कितने उम्दा जवाब दिए जाते हैं। मुझे तो शर्मगाह अर्थात औरत की योनि के सिवाय किसी और जगह, आप समझ सकते हैं ये जो कुरान की आयत है, अय मुसलमानों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जिस तरफ से चाहो खेती में जाओ, ये वो वाला मामला है। औरत की योनि के सिवाय किसी और जगह जमाव या संभोग करने से रोजा का कफारा जरूरी नहीं, ख्वा चाहे इंजाल भी हो गया हो, यानी वीरपाते हो गया हो तब भी रोजे का कफारा जरूरी नहीं।
क्या कैसे लोग हैं, क्या मानसिकता है, मतलब आप दीन की बुराई नहीं कर सकते। ये नहीं, मैं बुरा कर रही हूँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ साहब, लिबर्टी देखिए कैसी कैसी कि अगर आजकल के लिबरल तो बेवकूफ हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। समझना चाहिए इन सारी बातों को। किसी रोजादार ने अगर औरत की शर्मगाह यानी योनि के बजाय अन्य स्थान जैसे बगल, रान, छाती, गाल, नाक, पीठ, नितंब वगैरह में वती यानी मसल के या दवा के संभोग रूपी आनंद लिया हो और वो उसका वीर्यपात ना हुआ तो उसका रोजा नहीं टूटता। गायल तुर अवतार सफा 511 से 515 तक। जिसके जैसे किसी से कहा जाए कि साहब 10 मिनट तक आपको काले मुंह का बंदर नहीं सोचना है, तो तय समझिए पहला काम काले मुंह का बंदर ही दिखेगा उसे। ये कोर्स का हिस्सा है। जिन लोगों को मुफ्ती बनना पड़ता है, जिन्हें मदरसों में पढ़ना होता है, उनको ये कोर्स में पढ़ाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी है कि कोर्स मदरसों के लिए कहा जाता है कि वो साहब सिलसिला वहां तो मोहब्बतों का सिलसिला है उसके बिना, ये तो मतलब कोर्स का हिस्सा है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, सिलेबस है ये वाला। बिल्कुल। तो मैं आपके और आपकी बात से तायद करके मैं आपको एक और उम्दा चीज सुनाता हूँ फतावा आलमगीरी से। संजय जी, जी, जी। एक चीज मुझे बतानी है अभी। जी, ये जी। हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं। जब हमारे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जन्म होना था ना, तो जब गर्भ स्थापित हो गया था उनकी वालिदा के अमीना के, तो उस समय की एक हदीस है जो मैं बताना चाहता हूँ। जी जी जी। के वो बताती है कि मेरी योनी से हदीसे पाक। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। एक लाइट निकलती थी और उस लाइट से मुझे बसरा जो सीरिया के अंदर है वहां पर जो राजमहल थे वो दिखाई दे जाते। तो आप जरा कल्पना करके देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी से बड़ी टॉर्च ये काम नहीं कर सकती। हाँ, मैं वही इसमें देखिए अब समझने की क्या जरूरत है। ये तो ये जो मगरिब के काफिर हैं इन्होंने अब लेजर लाइट का इन्वेंशन किया, हमारे देखो कब से हो चुका है, क्योंकि लेजर भी नहीं होगी जो इतनी दूर तक जाके बिल्कुल दिखाएगी उसको। ये बात बिल्कुल आप वाजिब कर रहे हैं। अब ये देखिए इसमें एक चीज और बताया इसमें, ये तहीमिया और इसके बाद का जो अगला कहते हैं कि अगर शब जफाफ में, शब जफाफ समझ रहे नहीं, सुहाग रात। अच्छा जी, बड़ा क्लिष्ट अनुवाद किया है, अभी उसका सरलीकरण हो रहा है। जी। तो अगर शब जफाफ में किसी के पास उसकी बीवी के सिवाय दूसरी भेज दी गई और औरतों ने कहा कि यह तेरी बीवी है और उससे वती कर ली, तो उस पर हद न होगी, यानी उसको कोई दंड नहीं होगा। लेकिन क्यों, इसलिए उसका कारण भी दिया है कि आदमी अपनी बीवी और गैर बीवी में अव्वल बारी में तमीज नहीं कर सकता है। इस्तिंजा, इस्तिंजा, इस्तिंजा। जी तुफैल जी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद मैंने इसका इस्तेमाल आपके किसी उसमें किया है, कि मगर अगर किया है तो भी इस बात का जिक्र यहाँ आना चाहिए। नोश फरमाइए। मौलाना वाज कर रहे थे कि कोई शख्स वस्ल करे तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी किसी के सेक्स करे। हाँ, ये आप बोल चुके हैं, इसका आनंद लीजिए, आज भी आनंद लीजिए। हाँ, ये तो जितनी बार सुनाएंगे उतनी बार इस्तिंजा होगा। जी। तो उसके बाद साहब ने सवाल पूछा, अगर वस्ल यानी इंजाल हो जाए, किसी को देखें और एजुकुलेट हो जाए, तब बोले गुस्ल वाजिब होता है उनका दोनों पे? बोले हाँ, दोनों पे गुस्ल वाजिब होता है। उन्होंने फिर मंतक बघारी, तीसरी बार पूछा कि अगर किसी को ख्वाब में देख के हो जाए, तो बोले दोनों पे गुस्ल वाजिब होता है और उनको खबर दी जा सके तो गुस्ल फरमाना चाहिए। अगले दिन मौलाना का दरवाजा खटखटाया सुबह सुबह किसी ने,
उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वो साहब खड़े थे, बोले साहब बड़ी साहबजादी भी गुस्ल वाजिब हो गया है। उनका साहब दीन का इस्तिंजा बड़ा वाला तो बड़ा वाला ढेला शरीफ लगेगा इसमें तो। दीन का हिस्सा कर लिया। चार छह दिन बाद फिर दरवाजा किसी ने खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, वही साहब खड़े थे, बोले आज छोटी साहबजादी पर गुस्ल वाजिब हो गया है। जी बेहतर शर्मसार आदमी थे, उन्होंने कहा जी बेहतर मैं कह दूंगा। महीने बाद फिर दरवाजा खटखटाया, उन्होंने खोला, वही साहब खड़े थे, बोले आज बेगम साहब साहिबा से कह दीजिएगा कि वो नहा लें। कहा जी मैं अर्ज कर दूंगा, हो गया। दो महीने बाद फिर सुबह सुबह दरवाजा किसी ने खटखटाया, उन्होंने खोला, वही साहब खड़े थे, वो कुछ बोलते उससे पहले हाँ हाँ मैं नहा लूंगा। देखिए इसे कहते हैं पाकी। यह है दीन की पवित्रता, उसका लिहाज। ये उसका उसका सिलसिला है कि अब आज पाकी की जाएगी। तो ये सिलसिले बेसिकली सेक्सुअल, मतलब वो लोग जो लड़ने का काम ज्यादा करते हैं उनके लिए सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अरबों में चूंकि झगड़े झंझट, दूसरों को मारना, खुद कत्ल हो जाना, दूसरों को तलवार के घाट उतारना, न उतरे तो खुद उतरना, ये सारे लगातार काम हो रहे थे, उसके चलते ये सारी चीजें आई हैं। अच्छा अगर लेकिन आप अभी तक क्यों पकड़े बैठे हैं? जी जी, उसका कारण बताता हूं कि अगर आप इसके बारे में सोचने लगेंगे तो आप दीन से खारिज हो जाएंगे, आप दीन को छोड़ देंगे। आप सवाल इसीलिए तकलीद मना कर दी, इसलिए कुछ भी आप बात सवाल नहीं कर सकते। आपको डूज और डोंट इतने सारे पकड़ा दिए गए कि आप हर वक्त इसी कसौटी पे अपने आप को कसते रहेंगे कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मैं नापाक तो नहीं था, मैंने पाकी का पूरा ख्याल किया कि नहीं, नमाज में कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं जहन्नुम तो नहीं चला जाऊंगा। क्योंकि जो मेन फोकस होना चाहिए उससे सारे ध्यान हटाने के लिए उल्टा सीधी चीजें पकड़ा दी गई है। अगर कोई टिक कर सोचने, क्योंकि मेरे कई दोस्त मुर्तद हैं, वो लोग जिन्होंने इस्लाम तर्क कर दिया है, वो कहते हैं कि जिस क्षण में हमारे जहन में सफा रोशनी आई और हमने इसे छोड़ा, तो पलट के देखने में एकदम लगा कि हम क्या कर रहे थे इतने दिनों तक। कल तक वो नारेबाजी खुद भी कर रहे थे, मगर एक लम्हे में एक चुटकी बजी और सारा भरम टूट गया। तो वो भरम टूट न टूटे इसके लिए ये सारी चीजें कि पाकी ना पाकी, इसके सवाल उसके सवाल, दुनिया भर का बवाल इतना फैला रखा है कि आप कोई चारा ही नहीं है आपके पास, उससे विकल्प ही नहीं है, आप इससे बच नहीं पाते। इससे बच जाएं तो एक क्षण में टूट जाएगा ये। देखिए सर, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कुरान पाक में, कुरान मजीद में, और तायीद करेंगे नीरज अत्री साहब, और आपकी जो बात कही आपने उसी की तायीद कर रहा हूँ कि इस तरह की बात करना जो है ये बिल्कुल कुफ्र है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है अलमायदा 101 यानी 5.101 और वो रिपीट हुआ है 16.101, और उसमें कहते हैं कि साहब के अगर तुम सवालात पूछोगे तो तुम काफिर हो जाओगे, इसलिए सवाल मत पूछो। सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो इसलिए जो है आप जो है कह रहे हैं कि सवाल पूछिए, तो आप लोगों को दीन से खारिज होने का पैगाम दे रहे हैं, ये तो बात उचित नहीं है। आज तो दीन की दावत का वक्त है कि मैं आलमगिरी फतवा आलमगिरी की जिल्द नंबर 1 के सफा 61 से एक वो पढ़ता हूँ जी। जिस औजार पे पखाना या पेशाब यानी नजाजत लकी हो तो उसे 3 बार चाटने से वो पाक हो जाती है। बोलती ढेरा शरीफ से साफ कर ले तो नहीं चलेगा। कैसे कैसे लोग, क्या क्या जहन है। छुरी पर नजासत यानी पेशाब पखाना लगाओ तो वो पाक है, हिदायत जिल्द 1 सफा 222। और थूक के बारे में भी लिखा है कुछ क्या? ये अभी तो इसके बारे में, निजाजत अर्थात पखाना पेशाब भरा कपड़ा इस कदर चाटे कि निजाजत का उस पे से असर जाता रहे तो वो पाक है। कपड़े से क्यों साफ करने के लिए इसे चाटना
और तफसील के साथ है। ये हिदायत जिल्द एक सफा 111 और आलमगिरी की जिल्द नंबर एक सफा 161 उस पर ये सारा तफसील है। कोई इस तरह से कैसे सोच सकता है? मगर आपको जो मेन फोकस है उससे बाहर निकालना है तो ऐसे ऊंट पटांग वेसर पैर की चीजें इतनी सारी इकट्ठी कर दो कि आदमी समझ ही ना पाए कि वो क्या रहा है उसके साथ। इतना आसान नहीं है किसी को बिल्कुल पाश्विक वृत्तियों की तरफ ले जाना, वो तभी संभव है कि उसकी बुद्धि बिल्कुल ही फोड़ दी जाए। जानवर अर्थात चौपाए से या नाबालिग लड़की से जिना अर्थात बलात्कार करे तो वजू नहीं टूटता, आलमगिरी जिल्द एक हदीस 83। एक मिनट, तो फिर वो बलात्कार कहा हो, तो जायज है, बलात्कार तो हुआ ही नहीं हो जानवर। वो बलात्कार उसका कि आयशा का तो मना नहीं थी, मगर ये लड़की मना करेगी ना, उसके साथ जबरदस्ती होगी। जानवर से या चौपाए से यानी और नाबालिग लड़की के साथ में अगर सेक्स करे तो उससे वुजू नहीं टूटता। नमाज से पहले वुजू करना पड़ता। चौपाया और नाबालिग लड़की बराबर बराबर है, ये कहने का मतलब हुआ। ऐसी चीजें, इतनी इतनी विचित्र चीजें कैसे कोई सोच सकता है? और ध्यान रहे कि ये फतवा है, सवाल पूछा है किसी ने कि ऐसा करने से, ये लगातार होने वाली बात है, इक्का दुक्का बात पे कोई सवाल नहीं पूछने पहुंच जाता मल्ला के पास। मुफ्ती के पास सवाल तब पहुंचते हैं जब ये रेगुलर प्रैक्टिस होती है। अजीबोगरीब सेक्सुअल बिहेवियर। अच्छा, लतावत में गुस्ल किसके किसके ऊपर जायज होता है? जी जी जी, अच्छा वो वाकया मौलाना मौदूदी वाला। हाँ, मौलाना मौदूदी वाज फरमा रहे थे और उन्होंने कहा कि कोई शख्स गुस्ल करे तो उस पर गुस्ल वाजिब होता है। एक साहब ने हाथ उठाया कि साहब वो अगर हमजिंसी कर रहा हो यानी होमोसेक्सुअलिटी, तो उन्होंने कहा उन पर भी वाजिब होता है। तो उन्होंने फिर मंतिक निकाली कि साहब किस पे वाजिब होता है? दोनों पे, फाइल पे तो वाजिब है कि वो लगा पड़ा है, मफूल पे क्यों वाजिब हो? तो मौलाना बोले हो सकता आपका ख्याल सही, मगर मैं तो नहा लिया करे था। यह है पाकी, गैर जरूरी होते हुए भी खुद को पाक करना, दीन के लिए, दीन की दावत के लिए तैयार करना। यह अच्छा, एक मेरा सवाल है तुफैल जी कि जी, जब आप नमाज कर रहे हैं, सलात कर रहे हैं, उस समय यदि आप कोई पाद देता है तो उससे उसका उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या क्या, फिर से पूरा सवाल दोबारा दोहराइए। ऐसे शब्द, अरे हवा छोड़ देता है साहब। हाँ, नमाज जी, वो पता नहीं कैसे कि अगर गैस पास कर देता है तो रोजा टूट जाता है। तो मेरे एक दोस्त थे, शायर थे, अब तो रहे नहीं वो, साहिल। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें कैसे, वाकया ये था कि हल्द्वानी में मैं उनके मोहल्ले में खड़ा था और ये वो जमाना था जब मैं हरिद्वार रहता था, साधु था, गेरुआ कपड़े, दाढ़ी थी, और तो उनके साले मुल्ला टाइप के थे, बड़े जोर से लपकते हुए अस्सलाम वालेकुम जी हाथ उठाए, बोले क्या नूर है, कसम खुदा की आप किस खानदान के चश्मे चराग हैं? तो मैंने कहा काफिरों के खानदान से हूं। तो वो जरा तिल मिला गए और लोग हंसने लगे कि धर्मारा। तो उसमें ये वाकया था। वहां का है ये इस्तिंजा, बताइए ना तफसील से बताइए ना। नहीं 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 नहीं, तफसील से वो संजय साहब ने जो जुमला फरमाया, एक बार वो पहला जुमला मुझे फिर से कहिए जी। जब कोई नमाज या सलात कर रहा है उस समय कोई हवा छोड़ देता है तो क्या नमाज कबूल होती है? तो पादुल मुकद्दस बोलते हैं उसको, पादुल मुकद्दस, एक कोई हमारे दर्शक है वो, उन्होंने नाम दिया है उसको पादुल मुकद्दस। उन्होंने ये फिर बात आई कि क्या क्या किया जा सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो रिया खारिज करना कहते हैं। रिया खारिज होगी यानी गैस पास हो जाएगी तो रोजा टूट जाएगा।
तो साहिल मजे के आदमी थे, उन्होंने तफरीहन उनसे पूछा साले से कि भाई ऐसा कुछ होगा तो तुम क्या करते हो। तो वो पहले ही चिड़े हुए खड़े थे, वो और तिल मिला के कुछ बोल नहीं पाए। तो वहां सामने छल्ली भुन रही थी मक्का, तो मैंने उनसे कहा कि मुनासिब साइज का मक्का ये भुट्टा ले लो और उसके बाद गैस नहीं निकल पाएगी। तो सबसे आसान तरीका कि डांट लगा लो किसी चीज से, झंझट खत्म, गैस नहीं निकलेगी, रोजा नहीं टूटेगा। मतलब पूरे रोजा पूरे मतलब किसका है, सहरी से लेकर इफ्तार तक जी जाहिर पड़ेगा। जी जाहिर है। अच्छा इस पे अब पूरे मतलब वक्त पादुल मुकद्दस से पादुल मुबारक नहीं निकले, ये तो बड़ा गजब हो जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो एक बहुत खूबसूरत मगर बहुत मतलब वैसा लतीफा है, मैं एक वाकया अर्ज करूं इस पर। बहुत बिल्कुल साहब, एक बार फिर से इस्तिंजा। नवाब साहब की तलवार चोरी हो गई, जो पुश्तैनी थी 7 पीढ़ियों से चली आ रही थी। तो लोग अफसोस के लिए आए, उन्होंने कहा साहब मालूम पड़ा सरकार आपकी तलवार छोड़ी, बड़ा अफसोस हुआ। कहाँ रखी थी? बोले मियाँ सिरहाने रख के सो गए थे। अरे साहब क्या क्या गजब किया आपने, सोए आदमी और मरा आदमी तो बराबर होता है, क्या किया? तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो उल्लू बना रहे मेरा, कुछ और बताऊंगा। तो कोई साहब आए, उन्होंने पूछा कि साहब मालूम पड़ा कि तलवार चोरी हुई, बुजुर्गों की निशानी थी, कहाँ रख दी थी? उन्होंने कहा साहब अलमारी। अरे साहब इतनी कीमती चीज आपने अलमारी रखी? होते होते सुबह से शाम तक सारी जगह नप गई और हर जगह लोगों ने उल्लू काटा उनका। रामपुर का वाकया, वो तिल मिलाए बैठे थे, फिर एक बहुत तेज तर्रार आदमी आए, उन्होंने कहा साहब मालूम पड़ा कि आपकी तलवार चोरी, बड़ा अफसोस। हाँ बोले यही पूछोगे कहाँ रखी थी? चूतड़ों में दे ली थी। उनका साहब जगह तो बड़ी मुनासिब थी, मूठ बार रह गई होगी। मुझे लगता है कि तलवार का साइज क्या रहा होगा ये भी पूछना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगता है तलवार नहीं केवल छुरी रही होगी, तो तलवार भी दी जा सकती है। जो उन्होंने कहा उसका जवाब उम्दा से निकल के आया। एक एक जो है साहब फतावा आलमगीरी में भी आया है जिक्र, तो इसका भी बता देते हैं कि साहब ये कह रहे हैं कि अगर बाप की बांदी या माँ की बांदी से वती कर ली तो हद कायम नहीं होगी, यानी कोई दंड नहीं मिलेगा। अब ये बताइए कि जो बाप की बांदी है, जिसके साथ बाप वती करता है, उसी के साथ बेटे ने वती कर ली, तो हद क्यों नहीं कायम होगी? जी उसके सिलसिले में ये तो बड़ा मशहूर वाकया है, उसका क्या नाम खलीफा का, हारून रशीद का, कि हारून रशीद का दिल अपने महल की एक बांदी पे आया, तो वो उसको बुलवाया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे वालिद के साथ से मंसूब रह चुकी हूं, मेरा दर्जा तुम्हारी माँ का है। खलीफा उसके इश्क में इतने गिरफ्तार थे कि बीमार पड़ गए, तो वजीरों को पता लगा, तो वजरा ने मुफ्ती से बात की, तो मुफ्ती ने कहा 1,00,000 दीनार दे दूंगा, लूंगा फतवा दे दूंगा। कहा ठीक है, ना उनसे पूछा, खलीफा ने कहा बुलवा लीजिए, बुलवाया गया, तो उनसे कहा कि उनका 1,00,000 दीनार, बोले मंजूर। तो उसे बुलवाया और उससे कहा कि जब ये आप उनकी ख्वाबगाह में थी और वो आपकी शर्मगाह में थे, उस वक्त का कोई गवाह है? तो जाहिर है कि खलीफा कि वो ख्वाबगाह में हो, खलीफा उनकी शर्मगाह में हो, तो कोई दूसरा कैसे होगा? मौत आई है किसी की? तो उसने कहा उसका कोई गवाह नहीं है। तो बोले एक औरत की गवाही मुकम्मल नहीं है, इसकी गवाह नहीं है, इसलिए ये तुम पर जायज है। इसके वो हिस्टोरिकल उसके वजह, और ये इसका तो मैं कई बार इस्तेमाल भी करता हूँ। पिछली बार जो रेजिम थी इनकी अफगानिस्तान में, तो एक लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट कराई कि उसके साथ 4 लोगों ने जना किया, रेप किया, मेडिकल हुआ 4 लोगों का वो साबित हुआ, मगर गवाह कोई नहीं था उसके पास। तो जिरगे ने फैसला दिया कि औरत हर्राफा है,
बदचलन है, इसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए, क्योंकि उसके पास गवाह नहीं थे। चार लोग रेप करेंगे और गवाह होंगे तो इसका मतलब वहां 25 लोग मौजूद हों, तो रेप कैसे होगा? रेप तो तभी मुमकिन है कि उसके कोई गवाह नहीं थे, लोग नहीं थे वहां पर, वो चार थे जो जो उसके साथ जुल्म कर रहे थे और उसको पत्थर मार मार के इन चार कमबख्तों ने, इनके सहित लोगों ने मार के खत्म कर दिया। कुरान की आयत है कि एक औरत की गवाही मुकम्मल नहीं है। रफी रजा साहब का शेर है, खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको। मशहूर शेर है रफी रजा का, तो यही है। और इससे एक बात और निकलती है, अगर औरत की गवाही मुकम्मल नहीं है तो खदीजा ही तो गवाही है जिन्होंने कहा है कि वो पैगंबर हैं, पैगंबर ही साबित नहीं होती। हाँ, ये अरे आप दीन की दावत दे रहे हैं, दीन से खारिज कर रहे हैं लोगों को, ऐसे नहीं आप दे दीजिए नीरज साहब, हमने नहीं दी, आप दावत दो साहब, आप दो। जो भी तो फेर जी ने बताया था शुरू में किस्सा कि गोद क्यों नहीं लेते हैं, वो इन्होंने पूरी तफसील नहीं दी उसकी कि जिस समय मोहम्मद ने देखा था उसको नहाते हुए तो वहां पर एक जुमला मार के गए थे, जुमला कस के गए थे, वो जुमला सब जगह पे अलग अलग दिया जाता है इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। तो जब वो शाम को जाहिद घर पे आता है तो बताती है कि ऐसे, अब उसने क्या बताया होगा तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि तुम्हारे अब्बा हुजूर आए थे या मेरे ससुर जी आए थे या मेरे भाई आए थे, क्योंकि उनकी बहन भी थी, फर्स्ट कजन थी उनकी जैनब, तो वो मेरे ऊपर इस तरह का जुमला मार के गए हैं। तो मैंने जब पहली बार इसे सुना था तो मुझे लगा था कि अगर किसी आम परिवार में ऐसा होगा तो जो लड़का है वो बाप का गला पकड़ने को जाएगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने। लेकिन यहाँ दीन की खूबसूरती देखिए कि वो जाता है और कहता है कि अगर आपको चाहिए तो मैं अपनी बीवी छोड़ देता हूँ, और फिर हजूर साहब बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं तू अपनी बीवी को अपने पास रख। और ये कुरान पाक में भी है, सूरह नंबर 33 की 37वीं आयत में बकायदा लिखा, जायद का नाम आता है उसके अंदर कि जायद की बी, जायद ने जब कहा तो तुमने कहा उसे अपने पास रख। तो अब देखिए अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत हुक्म आया कि तू डरता था जमाने की रुसवाई से, लेकिन जब अल्लाह ने तेरे लिए वो हलाल कर दिया तो तू उसको क्यों हराम समझ रहा है, तो ले आ। और इसका नतीजा ये होता है कि फिर जायद उसको तलाक देता है और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे जो नबी पाक हैं वो उसको अपनी बेगम बना लेते हैं। तो इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती किसी और मजहब में, किसी और दीन में किसी को दिखाई देती है क्या? तो ये है दावत देने का तरीका, आप दाई बनना सीखें। तो फिर जी आपने ये, हाँ जी ये चीज आप खा गए थे, मुझे लगा मैं बता दूं ये बीच में। और इसमें एक बड़ा अच्छा वर्णन आ रहा है साहब, मैं देख रहा हूँ पेज नंबर 540 पे है। तो इसमें कहा है कि साहब की अगर किसी के साथ आपने जोर जबरदस्ती कर ली किसी औरत के साथ में और इस तरह से कर दी कि अगर नॉर्मल है तो उसके ऊपर आपको दंड लगेगा, लेकिन आपने इस तरह से की कि दोनों सुराख एक हो गए तो फिर आपके ऊपर कोई हद कायम नहीं होगी, यानी आपको दंड नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या राज है, तो फैल जी बता सकते हैं। वो आयत है ना कुरान की, अय मुसलमानों तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जिस तरह से चाहो अपनी खेती में जाओ। ये इसकी तफसीर है, उसका प्रैक्टिकल है। क्या है 2.224 है शायद ना? जी जी जी, ये उसकी तफसील है। बल्कि वो जो किताब है रंगीले रसूल, उसके आखिर में 12-13 हदीसें दी हुई हैं इसी तरह की, उसमें भी ये तफसील है। तो और कुछ ना हो तो साहब बहुत सारे सवाल आ लीजिए साहब, सवालों में बहुत वक्त लग जाएगा, तो मेरे ख्याल से हम सवाल ले लेते हैं और आप सभी लोगों से फिर से अनुरोध है कि साहब की दीन की दावत को कबूल करें और
इसलिए जो भी आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं उससे आधे ही लाइक कर रहे हैं, तो बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी लाइक कर लें। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमारे सपोर्ट कर सकते हैं हम वहीं पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो बैकअप चैनल है जयपुर डायलॉग्स विमर्श, उसको भी आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दीन की दावत के सारे पार्ट्स का लिंक, जो पहले 5 पार्ट्स है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहत सिंह चौहान, ये अगर गधी पे सवार होके सातवें आसमान पे अल्लाह को देखा, जो कि इंसान का साकार और सबसे बड़ा है, तो मुसलमानों को हिंदू देवों की पूजा से क्या मसला है? साहब, अपना माल बेचना है तो दूसरे के माल में कीड़े निकालने पड़ेंगे, तो है दाइए। नीरज जी, आप बताएंगे कुछ इसमें? नहीं, मैं तो फैल जी से पूरा इत्तेफाक है, ठीक कह रहे हैं वो, कि आपके पास अगर गंदगी भी हो, दूसरे के माल को बुरा बोलोगे तभी तो अपना कूड़ा बेचोगे, तो ये वही है। नेक्स्ट, चंदन कुमार जी, धन्यवाद जी। विजेंद्र सिंह राणा जी, जय श्री राम, तूनी गुरुजनों को बड़ा इंतजार था इस दावत का, ऐसे ही दीन की दावत पर रोस्ते रहे। बिल्कुल साहब, इस्तिंजा बजा लाता हूँ। चंदन कुमार, कुरान पढ़ने का सटीक तरीका क्या है? कोई है ही नहीं, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, एक के बाद एक जिस क्रम में कुरान मोहम्मद पर उतरा या मोहम्मद ने लोगों को बताया, उस क्रम में रखा नहीं गया है। यहाँ एकदम से तिल, फिर अगली आयत वो खजूर, उसके बाद अगली आयत वो झाड़ू, उससे अगली आयत मिर्चें, आप समझेंगे नहीं ये हो क्या रहा है, मगर वो इसी तरह से है और जानबूझ के बखेरा गया है। अगर उसको, क्योंकि अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कुरान आ गई है, तो आप पाएंगे कि मोहम्मद की जिंदगी के हिसाब से जो जरूरतें थी उनके हिसाब से सारी आयतें उतरी हैं, तो वो कोई तरीका नहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली कुरान पकड़िए, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद इज द राइट बुक, अंग्रेजी हिंदी सब में मिल जाएगी, नेट पे निशुल्क मिल जाएगी, वो जबरदस्त किताब है। बिल्कुल, और वती करने का तरीके आपको जो है वाजिब तरीके हैं देखने, तो फतावा आलमगिरी की किताबुल हदूद देख लीजिए। अभिजीत सुधाकर, मेरा एक दोस्त बोला कि जहाँ ये मज़हब आया वहाँ सिविलाइजेशन लेवल कम थी और हमारी बहुत एडवांस्ड है, हमें पेशेंट रहना चाहिए ताकि वो अपने भी अपने लेवल तक आ जाएंगे। इसका क्या जवाब? नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि पहली चीज कि वहां पर सिविलाइजेशन कोई बहुत पुअर नहीं थी, ये प्री इस्लामिक अरेबिया पे एक बड़ा गलत इल्जाम है। वो लोग सिविलाइज थे, महिलाओं का सम्मान करते थे, बहुत सारी चीजें, हालांकि कुछ कमियां भी रही होंगी मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो इस्लाम का ये जो जिसे नूर बोलते हैं, इसके आने से पहले वहां पर लोग बहुत सभ्य हुआ करते थे। और दूसरी चीज ये कि वो जो पेशेंस रखने की बात करें कि इनको हमारे तक आना है, वो हम तक नहीं आएंगे, वो सारी दुनिया को पीछे 1400 साल पीछे खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका इंतजार तो हम कर नहीं सकते, इसलिए उसे यही जवाब दीजिए कि दोनों बातें गलत हैं जी। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोल, आप काफिरिया ठीक नहीं कर रहे हैं, दीन हक की शान की गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह का तेजाब आएगा लाहौर पे बिल्ला कूदत। जी रॉबर्ट कोल जी, हम निहायत शर्मिंदा हैं। जिनेश पटेल जी, धन्यवाद, आप शर्म से डूबे मर रहे हैं हमको। बिल्कुल, डार्क सीक्रेट्स। इस्तिंजा सर जी, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर जब 3 काफिरों में है, तो आसमानी किताब को पढ़ क्या हम चरम सुख तक पहुंच सकते हैं क्या? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और फतावा आलमगिरी पढ़े, अभी क्या है कि थोड़ा सा उसका क्लिष्ट है अनुवाद, हम सरलीकृत भी ला रहे हैं, फिर आप उसको बहुत आसानी से पढ़ के, और बहुत आपको पता चल जाएगा कि तरह तरह की लतावत कैसे होती है, सुराख एक हो जाएं, दुबूर और पता नहीं क्या, वती अलग अलग हो। स्लैश जी, धन्यवाद आपको, /7। गुरुराज देशपांडे जी भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास राव वेपे चेड्डू जी, आपको तो बहुत ही बहुत धन्यवाद साहब सहयोग के लिए। जिनेश पटेल जी, धन्यवाद आपको भी। पीयूष उनियाल, ग्रेट वर्क, थैंक्स, बट दिस अवेयरनेस यू क्रिएट इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय मेनस्ट्रीम मीडिया एंड गवर्नमेंट सेक्युलरिज्म वी फेस इन सोशल सेटिंग विद कंफ्यूज्ड देसीज।
तो उनको ये दिखाया करें ना, दीन की दावत तो बहुत ही एक उम्दा किस्म की और बड़ी ही पाक पेशकश है। चंदन कुमार कह रहे हैं इस तरह की बातें करके आप अपना चैनल बंद करवाओगे। अरे बाप रे बाप, ये तो धमकी दे रहे हैं उनको। चंदन कुमार जी, आप चंदन ही हैं, कुछ और हैं? डार्क सीक्रेट्स, बाप ऑफ कपिल शर्मा शो इज दीन की दावत, बाप ऑफ ऑल कॉमेडी शो, ऑल थैंक्स टू आसमानी किताब ऑफ 14th सेंचुरी। अरे भाई 7th सेंचुरी। श्री श्री धन्यवाद आपको निवित कृष्णा, आप तीनों दीनदारों को दीन की रोशनी दिखाने के लिए इस्तिंजा। चंदन कुमार, दीन की माँ की आंख, ओहो, ये तो गाली गलौज पर उतर आए। देखिए थोड़ा ये तो बहुत ही एक पाक चर्चा है, इसमें ऐसी बातें ना लाए। नेक्स्ट, सौरव कुलकर्णी, सबको रमजान मुबारक। फतावा नंबर 87972 क्लियरली स्टेट्स दैट अ मैन कैन इंसर्ट फिंगर इनटू वाइफ्स वजाइना बट ओनली विद लेफ्ट हैंडेड फिंगर एंड राइट हैंड इज हराम। वो इज ओरिजिनल जॉनी सिंस किंग ऑफ। धन्यवाद आपके वंडरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए। प्रदीप सिंह, आपको पता है कि किसी बर्तन में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे पूरी तरह डुबो देना चाहिए क्योंकि उसके एक पंख पर बीमारी होती है लेकिन दूसरे पंख पर उसका इलाज। अल बुखारी, ये कौन सा है साहब, बताएं जरा। हाँ हाँ, ये तो है ना, बड़ी बड़ी मशहूर हदीस है ये कि अगर मक्खी गिर जाती है आपके किसी ड्रिंक में तो उसको पूरा डुबोना है क्योंकि ये इन्होंने बस एक शब्द गलत लिख दिया, इलाज लिख दिया, उसमें शिफा बताया कि उसके एक पंख पे बीमारी होती है दूसरे पंख पे शिफा होती है। और इसको आजकल वो जाकिर नाइक के बहुत सारे क्लोन्स जो जन्म ले रहे हैं वो जस्टिफाई कैसे करते हैं कि आजकल हमें पता है ना कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कीड़ों में से उसका एंटीडोट निकालते हैं, तो ये हमें पहले से ही पता था कि उस मक्खी के ऊपर ही उसका जो शिफा होता है वो भी मौजूद है। मक्खी मुबारक। नेक्स्ट, और इस पे स्पेशली ये हमारे लिए थोड़ा सा सीरियस भी होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देखें इस हदीस के बारे में छोटी छोटी एनिमेटेड वीडियोज बना रखी है और वो कई भाषाओं में है और हमारे देश की कई भाषाओं में, बांग्ला में है, तमिल में बनाई है, ताकि बच्चों के लेवल पे इस तरह का वो इंडॉक्ट्रिनेशन कर दें कि इस तरह के काम वो कर सके। जी, तभी थूक जिहाद आसानी से हो सकता है। प्रवीण खासे, इस्तिंजा जनाब, संजय सर प्लीज मेक वन सेशन ऑन हिस्ट्री ऑफ ब्लड बाथ दिस सो कॉल्ड होली मंथ। हाँ, तो रमजान तो जिहाद का महीना होता है भाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गुरुजनों को प्रणाम, पत्रम पुष्पम स्वीकार करें, धन्यवाद। दीन की दावत को दोबारा लाने के लिए आभार। अभी मैंने अपने कुछ दीनदार दोस्तों को यह वीडियो भेजी है, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। कुछ तो बदलेंगे, बदलेंगे तो मुश्किल है, फतवा आपके खिलाफ फतवा जरूर जरूर जारी करेंगे। नेक्स्ट, हैव यू गाइज रेड द बुक Culture of Critique by Kevin MacDonald? If not, then please read Educated Moments Following the Same Tactic Described in the Book. Thank you for the reference. Thank you. Quran Muslim को banking की सुविधा से वंचित कर देते हैं। Quran के कुछ नियमों की वजह से Muslim banking का इस्तेमाल करने से कतराते हैं क्योंकि ब्याज हराम है। तो जरूरत के मुताबिक होता है, जब पाकिस्तान में देखिए ना, सबको दे रहे ना ब्याज। नेक्स्ट, जादौन, आप मौसूफ ये बताएं कि हवाई जहाज में जाकर बैतुल खला करें तो क्या क़िबला का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कदीब को दाएं घुमाते हैं तो बाईं तशरीफ सामने पड़ जाती है और बाईं तशरीफ को दाएं घुमाते हैं तो वक़्त सामने पड़ जाता है और दोनों खुशियों का डायरेक्शन समझ नहीं आता, यदि इस दौरान प्लेन घूम जाए तो क्या कुफ्र हो जाएगा? इस्तिंजा। बहुत शानदार सवाल है डीपीएस जवान साहब, वाह 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 वाह। अब इस पे मैं एक शेर सुनाता हूँ, ये खुशिया लफ्ज जो है उससे ध्यान आया मुझे। अपनी ही खता थी वक्त दुआ तशरीह जो करना भूल गए, दुआ करते समय विस्तार नहीं बताया। अब ये हमारी गलती थी, अपनी खता थी वक्त दुआ तशरीह जो करना भूल गए, ख्वाजा से कहा था कि फूले फलें सो दोनों खुशियां भूल गए।
ख्वाजा से कहा था कि भूले भले सो दोनों खुशियां भूले हैं, मजेदार लोग हैं जिनमें चमक है, जो ऐसी बेवकूफी की बातों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। नेक्स्ट अक्षित तरवाल, हिमाचल विटनेस हीनस केस जिहाद वेयर आसिफ मोहम्मद मर्डर्ड अ 15 ईयर हिंदू गर्ल प्राची राणा बाय स्लिटिंग हर थ्रोट, मीडिया इज टोटली साइलेंट, देश का मुसलमान डरा हुआ है। अजेंद्र चौरसिया, हुजूर के फारिग होने के बाद सहाबा दौड़ पड़े उसे खाने के लिए, ये वाला हदीस का रेफरेंस बताएं। ये तो अब पहली वाली में ही है, दीन की दावत में पढ़िए देखिए, फतावा आलमगिरी को पढ़ने का तरीका भी बताएं, समझ में नहीं आता। उसको हम और सरलीकृत कर रहे हैं आपके लिए, शीघ्र मिल जाएगी आपको और सरलीकृत। जय देवी, अच्छा जय देवी जी नमस्कार। नमस्ते संजय जी, नीरज जी, तुफैल जी, आप सब लोगों को रसूल मोहम्मद सुन रहे हैं, प्लीज दारूद भेज दीजिए उन पर, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू। जय देवी जी। सचिन शर्मा, खतना और खातून में कोई रिलेशनशिप है क्या, बताएं साहब, टफ क्वेश्चन है वो। एक उर्दू में तरीका है याद करने का, जुल्म बिन जालिम मजलूम नहीं, ये इसी तरह का कुछ है। अब इस सिलसिले में और ज्यादा न कहलवाइए, समझ लीजिए। नेक्स्ट, ओंकार कानबरकर, सर रियल एनिमीज ऑफ हिंदूज आर एंटी हिंदू पीपल इन हिंदुइज्म, दे शुड बी डेल्ट विद फर्स्ट, बट हाउ टू डू इट। ओंकार जी, मेरा एक जुमला है जिसका इस्तेमाल अब आम तौर पे होने लगा है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। आप एक, मैं अपना वाकया अर्ज करता हूं, मैं पिछ थोड़ी देर पहले बात कर रहा था हरिद्वार की, कि मैं हरिद्वार में था, गेरुआ पहनता था, साधु था, मैं संगठन का काम करता था, बेसिकली घूमते हुए आ रहे थे गंगा की मार्केट में, तो देखा कि दो तीन चार लोग खड़े बहस कर रहे हैं किन्हीं साहब से, और वो हमारे भी जानकार थे उनमें एक दो, तो मैं रुक गया, छड़ी थी मेरे हाथ में, तो एक साहब गंगा को गाली बक रहे थे, तो लोग कह रहे थे तुम क्यों बक रहे हो, मैंने आओ देखा ना, था सात आठ छड़ियां तड़ातर तड़ा था हमारी, साहब जो वो भागा है वो आगे आगे पीछे पीछे, मैं सब भूल गया, 15 मिनट से बहस हो रही थी। गलत बातों को आप कितनी देर, जो अड़ियल है, जो अड़ा हुआ है आपसे झगड़ेगा, उपद्रव करेगा, उसका इलाज साहब समझावन लाल, इनका संजय जी का जुमला है, समझावन लाल है उसका इलाज, इसी से सुधरेगा, और कोई तरीका नहीं। नेक्स्ट, निशांत श्याम गौतम, मोर ऑफ लैब मैनुअल टू पैथोलॉजिकल क्राइम फॉर परवर्ट्स, राइट। डॉक्टर किशोर कुमार, नमस्ते सर, वन ऑफ माय मुस्लिम स्टूडेंट इज सेइंग दैट इफ यू स्टार्ट यूजिंग हलाल प्रोडक्ट्स यू विल फाइंड दैट दे आर द बेस्ट, व्हाट टू डू। हलाल कर दे साहब उन्हें, उन्हें हलाल कर दें, और कोई इलाज नहीं। नहीं, आप उल्टा बोल दो ना उसको, उल्टा भी बोल सकते हैं कि हराम वाले उसको यूज करके देख, दे आर द बेस्ट, क्योंकि जब वो कोई जो क्लेम है उसका कोई एविडेंस नहीं दे रहा, तो उसको वैसे डिसमिस करोगे आप, ये तो कुछ भी बोलते रहेंगे। हाँ, ये भी साहब, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ऋषि जी कह रहे हैं, कोई मक्खी टट्टी पे बैठ के किसी मौलवी के खाने पे गिर गई तो कुरान क्या बोलता है। एक सेकंड साहब, इस पे कुरान कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसमें कियास कियास लगाए जा सकते हैं इसमें, और मौलाना को तो खा ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिर शिफा भी साथ में मिल जाएगी उसको मक्खी। जी, आप कोई रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, देख रहा है। मैं वो रेफरेंस निकाल रहा हूँ, अभी पढ़ रहा था मैं, उसमें था कि मक्खी के सिलसिले में इसी किस्म का रेफरेंस था कि जो टट्टी के कीड़े हैं वो पाक होते हैं। अभी अभी पढ़ रहा था ये फतवा, मैं निकाल रहा हूं,
उसके रेफरेंस निकाल के लाता हूँ। आप चट्टी शरीफ बोलिए ना। कैसी कैसी बेहुदा बातें। इसको बोलते हैं रियल इस्तिंजा। ये है बड़ा वाला, सुपर बड़ा वाला इस्तिंजा। कयामत के दिन जहन्नम यानी दोज़ख हाजिर की जाएगी, उसको उसकी 70,000 लगामें होंगी, जिस हर लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे हुए होंगे। दोज़ख जो है कोई ऐसी चीज है, कोई चलती फिरती, उसको फरिश्ते पकड़ के लाएंगे 70,000 लगामें लगाए हुए, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते संभाले हुए होंगे। 70,000 का जाने क्या चक्कर है, 72 हूरे और 70 गिलमा और 70,000 चेहरे और 70,000 जबाने और उनसे अल्लाह की हमद व सना और 70,000 लैंग्वेजेस, जाने क्या 70,000 का चक्कर लस है, गॉड नोस। जी ईश्वर चंद्र जी कह रहे हैं, विद्यासागर जी कि प्रणाम, नहीं पंडित मिश्रा जी कह रहे हैं प्रमाण त्रिदेवो गठिया और पेचिश दोनों हो तो इस्तिंजा कैसे करें, प्रकाश डालिए। पेचिश से कर लें इस्तिंजा। और क्या। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संजय जी दीन की दावत के शॉर्ट्स रील्स चलाइए एफबी इंस्टा यूट्यूब एक्सेट्रा पर, ये जितना बढ़े उतना देश जागरूक होगा, स्पेशली अपने सेक्युलर सेक्युलर लोग। साहब हमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, देखिए आप एहतियात भी बरतनी पड़ती है। अब मुझे पेट्रियन वालों ने हटा दिया है। अच्छा किन लोगों ने, पेट्रियन है जो क्राउड फंडिंग साइट है एक, वहां पर मेरा अकाउंट था तो उन्होंने हटा दिया, बोले आप हेट फैला रहे हैं अगेंस्ट अ प्रोटेक्टेड कम्युनिटी। प्रोटेक्टेड कम्युनिटी नहीं, वो कानूनी तौर से उन्होंने बड़े घेराबंदियां की हुई हैं। ये तो है, ये तो है। अभी के मनुस्मृति के बारे में आपका क्या विचार है, शूद्रों का ओरिजिन गॉड के पैरों से टाइप बातें, मनुस्मृति 131। अरे भाई आपको जो कुछ भी कहना है ना, मैं आपको, मेरा जो चैलेंज है इन सब बातों के लिए, आप 6,00,000 रुपए जीत सकते हैं, और आप जो भी कुछ भी कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप उसको इस तरह से पेश करें कि आप 6,00,000 रुपए जीते, हम चाहते हैं आप 6,00,000 रुपए जीते। इसी के साथ इस्तिंजा करते हुए हम आपसे रुख्सत लेते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस वीडियो को खूब फैलाएं और इसको थोड़ा बहुत बोसा भी दें।